हे गाइस, तो आज हम देखेंगे गेट 2013 का क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली है सीमा फोर्स की एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, सीमा फोर्स मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ हो सकते हैं। बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए यूज़ हो सकते हैं कि एक टाइम पे कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सके पैरेलली। यूजुअली सीमा फोर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो मान लीजिए 2 होती है, तो इसका मतलब 2 जो प्रोसेसेस हैं वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं एक टाइम पे, जो कि होना नहीं चाहिए, फिर वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वायलेट करता है। ठीक है ना, तो यूजुअली सीमा फोर की वैल्यू 1 ही होती है। अगर 2 हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, ये वो हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। और सीमा फोर हमें ये भी बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है उसकी सिंक्रोनाइजेशन या सीक्वेंसिंग, कि पहले कौन चलेगा फिर कौन चलेगा, वो भी हम सीमा फोर्स के अंदर देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन है, और इस क्वेश्चन में बेसिकली हम सीमा फोर्स की देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोसेस कितना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और सेम वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग आ सकते हैं। तो रेस अराउंड कंडीशन को समझने के लिए, रेस अराउंड कंडीशन को समझने के लिए भी सीमा फोर्स यूज हो सकते हैं। तो वो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी आपको करवा दिया, वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन को कैसे बनता है। ठीक है, ये गेट 2013 का क्वेश्चन है। अब क्या है कि अ शेयर्ड वेरिएबल एक्स, हमें एक वेरिएबल दे रखा है एक्स। ओके, ये मेरा एक वेरिएबल है एक्स, एंड इट इज इनिशियलाइज्ड टू 0। ओके, इसकी वैल्यू 0 है, एंड इज ऑपरेटेड ऑन बाय 4 कॉन्करंट प्रोसेसेस। ओके, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग का और पैरेलल प्रोसेसिंग का हमारे पास सिस्टम है, जिसमें 4 प्रोसेसेस हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड, ये मेरे पास बेसिकली 4 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ईच ऑफ द प्रोसेसेस डब्ल्यू एंड एक्स के बारे में बात की गई है, रीड करता है एक्स को। ठीक है, रीड एक्स फ्रॉम मेमोरी, इंक्रीमेंट्स बाय 1 एंड स्टोर इट टू द मेमोरी एंड देन टर्मिनेट। ओके, तो लिख लेते हैं कि रीड करेगा एक्स को डब्ल्यू, और जो एक्स है वो भी रीड करता है एक्स को। स्मॉल एक्स को हम वेरिएबल मान रहे हैं और कैपिटल एक्स को एक तरह का प्रोसेस मान रहे हैं। ठीक है, फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक्स को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद राइट कर देते हैं मेमोरी में। ये तो करते हैं डब्ल्यू और एक्स। वाई और जेड क्या करते हैं, ईच ऑफ द प्रोसेस वाई एंड जेड रीड एक्स फ्रॉम द मेमोरी, डिक्रीमेंट्स बाय 2 एंड स्टोर इट टू द मेमोरी एंड देन टर्मिनेट। ओके, तो इसमें क्या हुआ, रीड करा एक्स को, एक्स को मतलब डिक्रीमेंट किया 2 से और राइट कर दिया। इसमें भी यही हुआ, एक्स को हमने -2 एंड राइट कर दिया एक्स को। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, ईच प्रोसेस बिफोर रीडिंग एक्स, अब ये हर प्रोसेस की बात कर रहा है, पी ऑपरेशन करता है। पी का मीनिंग होता है वेट ऑन अकाउंटिंग सीमा फॉर एस, एंड इनवोक्स वी ऑपरेशन दैट इज सिग्नल ऑन अकाउंटिंग सीमा फॉर एक्स आफ्टर स्टोरिंग एक्स टू मेमोरी। ओके, हर जो प्रोसेस है वो पी करता है सीमा फोर पे, और वी करता है सीमा फोर पे, पी करता है सीमा फोर पे, वी करता है सीमा फोर पे, पी करता है सीमा फोर पे, वी करता है सीमा फोर पे। पी माने वेट करता है सीमा फोर पे, वी माने सिग्नल करता है सीमा फोर। ओके, जो सीमा फोर की वैल्यू, यहाँ पे एस की वैल्यू जो दी गई है गाइस, वो 2 है, एस इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसका मतलब दो प्रोसेसेस कॉन्करेंटली हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज वेरिएबल एक्स। तो हमें पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल ऑफ एक्स आफ्टर ऑल द प्रोसेसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अब मैंने एक क्वेश्चन में आपको कराया भी हुआ वैसे तो पहले भी, वो भी गेट के क्वेश्चन के साथ ही, कि जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में ताकि उन्हें बेटर रिस्पॉन्स टाइम मिले, या राउंड रॉबिन फैशन में जब हम करते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है कि एक ही वेरिएबल जो मल्टीपल प्रोसेसेस की तरफ से एक्सेस किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, रेस अराउंड कंडीशन आती है। रेस अराउंड कंडीशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर दूं इंस्ट्रक्शंस का, तो सेम जो एक्स की वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उसे रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं, उससे इनकंसिस्टेंसी बेसिकली पैदा होती है। तो उसके लिए हम डेटाबेस में अगर जाएं तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, हम उधर नहीं जा रहे, हम यहीं पे देखते हैं कि एक्स के में मैक्सिमम वैल्यू पूछे कि जितने भी एक्स की वैल्यूज आएंगी ड्यू टू रेस अराउंड कंडीशन, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ सकती है। ओके, तो हमें मैक्सिमम चाहिए, तो हमें ये चाहिए कि मतलब कि डब्ल्यू और एक्स हैं जो मेरे,
वो मोस्टली ऑपरेट हो, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और ये जो है ये मिनिमली चलें, क्योंकि इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, वाई और जेड मिनिमल और डब्ल्यू और एक्स मैक्सिमल। ओके, तो शुरू करते हैं। तो मान लीजिए मैं पी ऑफ एस करता हूँ, पी ऑफ एस मतलब वेट, वेट का मीनिंग क्या होता है, सीमाफोर की वैल्यू एक कम हो जाती है। तो मान लीजिए पहले मैं डब्ल्यू चलाता हूँ, तो इसकी वैल्यू मैं एक कम कर दी, ठीक है, पी ऑफ एस कर दिया, मैं यहाँ पे पहुँच गया। इसको प्रोसेस करने के लिए ना कलर दूसरा चूज कर लेते हैं। ओके, तो अब पी ऑफ एस मेरा यहाँ पे प्रोसेस पहुँच गया, और मैंने रीड कर लिया एक्स को, रीड कर लिया एक्स को, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रीड क्या कर लेता हूँ, रीड कर लेता हूं मैं एक्स की वैल्यू जीरो, इस पॉइंट पे आ गया हूं मैं इस प्रोसेस के। यहां से मैं कर देता हूं, मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट यहां पे लिख देता हूं, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया मैंने, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विच करके क्या आ गया मैं वाई पे आ गया। ओके, वाई पे आके मैंने क्या किया, पी ऑफ एस, पी ऑफ एस मतलब वेट ऑफ एस, वेट ऑफ एस मतलब एस की वैल्यू कम कर दूंगा, सीमाफोर की वैल्यू, तो मैंने यहां पे वैल्यू कर दी कम, जीरो कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या मतलब पता चला, W तो ऑलरेडी X को एक्सेस करके बैठा है, और अब दूसरा प्रोसेस जो Y है वो भी अब एक्सेस करना चाहता है X को, और एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि दो प्रोसेसेस एक टाइम पे जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि सीमा फोर की वैल्यू टू है। तो अब क्या हुआ, ये भी रीड ऑफ एक्स करेगा, इसकी वैल्यू इसने क्या रीड की, इसने भी एक्स की वैल्यू जीरो ही रीड की, क्योंकि अभी तक तो जीरो ही है वैल्यू। ओके, रीड कर लिया उसका, डिक्रीमेंट कर दिया, अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, जीरो माइनस टू इक्वल टू माइनस टू। उसके बाद राइट कर दिया एक्स को, तो माइनस टू मेरा लिखा गया यहाँ पे, और वी ऑफ एस, वी ऑफ एस मतलब सिग्नल ऑफ एस, सिग्नल ऑफ एस मतलब सीमाफोर की वैल्यू एक बढ़ा दो, तो बढ़ा देते हैं जी, तो यहाँ पे आ गया वन। ओके, तो ये प्रोसेस तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं जेड को दे देता हूँ चार्ज, जेड में क्या हुआ, पी ऑफ एस मतलब वेट ऑफ एस, तो एक वैल्यू एस की कम कर दूँ, जीरो आ गया। फिर रीड ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस टू, तो यहाँ पे क्या रीड कर ली वैल्यू एक्स की, एक्स इक्वल टू माइनस टू रीड कर लिया। उसके बाद एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू क्या आ गया, माइनस टू इक्वल टू माइनस फोर, एक्स की वैल्यू होगी माइनस फोर। अब कर दिया राइट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे माइनस टू हटा के मैंने क्या कर दिया, माइनस फोर लिख दिया। उसके बाद कर दिया वी ऑफ एस मतलब सिग्नल ऑफ एस कर दिया, एक वैल्यू बढ़ा दी सीमाफोर की। ओके, जस्ट होल्ड वन सेकेंड। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस फोर हो गई है, ठीक है। उसके बाद वी ऑफ एस कर दिया मैंने, मतलब कि सिग्नल ऑफ एस कर दिया। ओके, तो यहाँ पे दोबारा मेरे पास वन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चार्ज देता हूँ वापस, मैं डब्ल्यू पे यहाँ पे गया था, यहाँ से मैंने कॉन्टेक्ट स्विच किया था, अब मैं दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ। अब एक्स की वैल्यू वैसे तो माइनस फोर है, लेकिन ये क्या रीड करके बैठा है, डब्ल्यू क्या रीड करके बैठा है, एक्स की वैल्यू जीरो। अब ये दोबारा तो रीड करेगा ना, क्योंकि रीड ऑपरेशन तो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है ना, मैं इस स्टेज पे हूँ, ठीक है ना, रीड ऑफ एक्स के बाद। तो जब एक्स ऑफ वैल्यू जीरो रीड करके बैठा, तो इसने क्या किया, एक्स को एक्स प्लस वन कर दिया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल टू जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू आ गई वन, और उसको राइट ऑफ एक्स कर दिया। अब एक्स की वैल्यू सीधे ही क्या होगी, वन राइट हो गई, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो रीड करके बैठा था, ठीक है। उसके बाद इसने सिग्नल ऑफ एस कर दिया, तो सिग्नल ऑफ एस किया जब, तो टू आ गई वैल्यू। उसके बाद मेरा एक ही प्रोसेस रह गया, दैट इज एक्स, तो पी ऑफ एस किया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई वन, क्योंकि वेट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, रीड ऑफ एक्स, रीड एक्स की वैल्यू कितनी है, वन, इसने रीड कर ली, मतलब एक्स इक्वल टू वन रीड कर लिया। अब एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल टू यहाँ पे टू हो गया। उसके बाद राइट ऑफ एक्स, यहाँ पे वैल्यू होगी टू, ठीक है। तो उसके बाद वी ऑफ एस, सिग्नल ऑफ एस कर दिया, यहाँ पे क्या गया टू। तो वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम क्या आ गई गाइज, एक्स की, दैट इज टू, ठीक है। और अगर आप और भी किसी भी तरीके से चलाना चाहेंगे, तो वैल्यू मैक्सिमम जो है वो कितनी जाएगी, अगर आप सिंपल सी बात देखें कि अगर मैं चारों प्रोसेस को कैसे भी एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वन प्लस वन माइनस टू माइनस टू, क्या आ गया माइनस फोर, और इधर क्या आ गया टू, तो वैल्यू माइनस टू जाएगी मिनिमम, मिनिमम वैल्यू माइनस टू तो जानी ही जानी है। उसके बाद आप प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो डिपेंड करता है, माइनस टू और टू के बीच जो है ये वैल्यू रोम अराउंड होती रहेगी, ठीक है। बात है कि हम सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, जैसे मैंने सीक्वेंसिंग की है, पहले एक्स चलाया, रीड कराया, एक्स की वैल्यू जीरो रीड कर ली, उसके बाद मैंने कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया जो मिनिमम मुझे प्रोपोर्शंस दे रहे हैं, दोनों प्रोसेस चलाए, माइनस फोर वैल्यू आई। उसके बाद मैंने दोबारा डब्ल्यू चलाया, आप वाई में भी, वाई मतलब एक्स भी चला सकते थे, डब्ल्यू और एक्स में कैसे भी चला सकते हैं,
तो अगर आप पहले एक्स चलाएंगे फिर रीड के बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देंगे मिनिमली पे, तो भी वो काम टू पे ही आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इज टू। ठीक है, आप इसको और तरीके से करके देखना और मुझे बताना कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आती हैं। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, एक्स की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आती हैं वो मुझे बताना, और कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं कॉमेंट सेक्शन में। ओके, तो थैंक यू सो मच।